दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, भारत का सबसे वीर हिंदू राजा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास गुंजेवान है। ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को छठी का दूत याद दिलाया था। इनकी वीरता की कथा से भारत की भूमि गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की प्रजा के राणा थे। वर्तमान में ये स्थान राजस्थान में आता है। प्रताप राजपूतों में सिसोदिया वंश के वंशज थे। ये एक बहादुर राजपूत है जिन्होंने हर परिस्थिति में अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्रजा की रक्षा की। इन्होंने सदैव अपने एवं अपने परिवार से ऊपर प्रजा को मान दिया। एक ऐसे राजपूत थे जिनकी वीरता को अकबर भी सलाम करता था। महाराणा प्रताप युद्ध कौशल में तो निपुण थे, लेकिन वे एक भावुक एवं धर्म परायण भी थे। उनकी सबसे पहली गुरु उनकी माता जयवंता बाई जी थी। महाराणा प्रताप जीवनी एवं इतिहास। पिता का नाम राणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई जी, पत्नी अजबदे। जन्म 9 मई 1540, मृत्यु 29 जनवरी 1597। पुत्र अमर सिंह घोड़ा, सेथक। हल्दी घाटी का युद्ध, ये इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें मुगलों और राजपूतों के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें कई राजपूतों ने प्रताप का साथ छोड़ दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया था। 1576 में राजा मान सिंह ने अकबर की तरफ से 5000 सैनिकों का नेतृत्व किया और हल्दी घाटी पर पहले से 3000 सैनिकों को तैनात कर युद्ध का बिगुल बजाया। दूसरी तरफ अफगानी राजाओं ने प्रताप का साथ निभाया। इनमें हकीम खान सूरी ने प्रताप का आखिरी सांस तक साथ दिया। हल्दी घाटी का युद्ध कई दिनों तक चला। मेवाड़ की प्रजा को किले के अंदर पनाह दी गई। प्रजा एवं राजकीय लोग एक साथ मिलकर रहने लगे। लंबे युद्ध के कारण अन्न जल तक की कमी होने लगी। महिलाओं ने बच्चों और सैनिकों के लिए स्वयं का भोजन कम दिया। सभी ने एकता के साथ प्रताप का इस युद्ध में साथ दिया। उनके हौसलों को देख अकबर भी इस राजपूत के हौसलों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अन्न के अभाव में प्रताप ये युद्ध हार गए। युद्ध के आखिरी दिन जोर प्रथा को अपना कर सभी राजपूत महिलाओं ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया और अन्य ने सेना के साथ लड़कर वीर गति को प्राप्त किया। इस सबसे वरिष्ठ अधिकारियों ने राणा उदय सिंह, महारानी धीरबाई जी और जगमाल के साथ प्रताप के पुत्र को पहले ही चित्तौड़ से दूर भेज दिया। युद्ध के एक दिन पूर्व उन्होंने प्रताप और अजदबे को नींद की दवा देकर किले से गुप्त रूप से बाहर कर दिया। इसके पीछे उनका सोचना था कि राजपुताना को वापस खड़ा करने के लिए भावी संरक्षण के लिए प्रताप का जिंदा रहना जरूरी है। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध साल 1576 में 21 जून को लड़ा गया। 4 घंटे की जंग, खेल खत्म। यह युद्ध मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मान सिंह प्रथम की अगुवाई में अकबर की सेना का बीच हुआ। इतिहास के सबसे छोटे युद्ध में सुमार 4 घंटे में खत्म। महाराणा प्रताप के मेवाड़ को अकबर के तहत लाने से मना करने पर युद्ध हुआ था। दिवेर का महायुद्ध हल्दी घाटी के बाद यहाँ महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को हराया था। मैराथन ऑफ मेवाड़। एक ही वार से महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित 2 टुकड़े में काट दिया था मुगल सेनापति को। बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सिर झुका दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जो अकबर के आगे कभी नहीं झुके। इन्होंने बड़े बड़े कष्ट उठाए, किंतु हिंदू कुल के गौरव को सुरक्षित रखा। इन्हीं हिंदू कुल सूर्य महाराणा प्रताप की प्यारी पुत्री का नाम था संपा। इस कठिन समय में महाराणा को बच्चों के साथ दिन दिन भर पैदल घूमना पड़ता था, रात को भूमि पर सोना पड़ता था। महाराणा का बेटी हमारे यहाँ एक अतिथि आ गए। आज ऐसा भी दिन आ गया कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से अतिथि भूखा चला जाएगा। संपा ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने मुझे कल जो 2 घास की रोटियां दी थी वे मैंने बसा के रखी है, मुझे भूख नहीं है। मैंने रखी तो छोटे भाई के लिए, पर वो सो गया है, आप उस अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबा कर रखी घास की 2 रोटियां पत्थर हटाकर संपा ले आई।
थोड़ी सी चटनी के साथ वे रोटियां अतिथि को खिलाई। अतिथि रोटियां खाकर चला गया, लेकिन महाराणा ने अपने बच्चों का कष्ट नहीं देखेगा। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए सिर्फ एक पत्र लिखा था, लेकिन महाराणा ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। वो एक सच्चे राजपूत थे, मैराथन ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का वीर योद्धा महाराणा प्रताप, भारत के मान सबूत महाराणा प्रताप को सत सत नमन। राणा प्रताप इस भारत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। राणा प्रताप आजादी का अपराजित काल विधायक हैं। वह अजर अमरता का गौरव, वो मानवता का विजय, आदर्शों के दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ कभी सत्य की टापे गूंजी है। पत्थर पत्थर में जागा था विक्रमी देश बलिदानी का, जय एकलिंग का जवार जगा, जागा था खंडक भवानी का। भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा। यहाँ के रणबांकुर ने देश जाति धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलि देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग व संपूर्ण भारत को गर्व हो रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राजाओं में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, कुमान प्रथम महाराणा, हमीर महाराणा, कुंभा महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था इस धरती पर। धन्य है हमने भी उस धरती पर जन्म लिया जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। मेवाड़ के मान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दासता स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सम्मानहीन मनुष्य एक मूर्त व्यक्ति के समान होता है। महाराणा प्रताप किंग ऑफ मेवाड़। मनुष्य का गौरव और आत्म सम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती, अत सदा इनकी रक्षा करनी चाहिए। दौरा वाली धरती रो है लाल आयो रे, प्रसन्न तू अखंड तू सूर्य साथी ताप है, भारत भूमि गर्व करे छड़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को मामा ने देशभक्त का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। महाराणी जयवंता बाई महाराणा उदय सिंह की पहली पत्नी थी और इनके पुत्र का नाम महाराणा प्रताप था। इनका शादी से पहले जीवंत कंवर नाम था, जो शादी के बाद बदल दिया गया। जयवंता बाई उदय सिंह को राजनीतिक मामलों में सलाह देती थी। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमल अपने पिता की इच्छा के अनुसार सिंहासन पर चढ़ गए। और जयवंता बाई एक बहादुर राजपूत रानी थी। वो भगवान कृष्ण की एक भक्त थी और कभी उनके सिद्धांत और आदर्शवादी विश्वासों से समझौता नहीं करती थी। उन्होंने प्रताप को अपने सिद्धांतों और धार्मिकता को प्रेरित किया, जो उनके द्वारा बहुत प्रेरित थे। बाद में उनके जीवन में प्रताप ने उसी आदर्शवादी और सिद्धांतों का पालन किया। महाराणा के प्रताप से कांपे थे मुगल। 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 1568-1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने शासन किया। 18 जून 1570 हल्दीघाटी युद्ध हुआ। 4 घंटे तक सेनाओं के बीच युद्ध रहा। 3,000 घुड़सवार और भील तीर थे महाराणा की सेना में और 10,000 घुड़सवार, हाथी और तोपखाना था मुगल सेना के पास। स्वाधीनता के पुजारी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना सू रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी से तकड़ो, सूती सी हूं कार भरे। महाराणा प्रताप का जन्म सिसोदिया वंश में 9 मई 1540 में राजस्थान के कुमलगढ़ में हुआ था। सूर्यवंशी महाराणा ने 1568 से 1597 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। एकलिंग जी के दीवान महाराणा ने आजीवन मुगलों के दांत खटे किए। महाराणा का महाप्रयाण 29 जनवरी 1597 को हुआ। कुछ तो कमी थी हमारी एकता में, वरना जितने वजन का पूरा अकबर था उतने वजन का तो सिर्फ महाराणा का भला था।
था। धन्य थे वो हिंदू वीर। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था और कवच का वजन भी 80 किलो था। यदि भाला, कवच, ढाल, हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो 207 किलो करीब होता है। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक थे। फिर भी खूंखार कहे जाने वाली अकबर की सेना पर जाबाद हिंदू भारी पड़े। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7.5 थी। राणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी फूट फूट कर रोया। राणा 200 कड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरे नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वो दौड़ रहा था अरे मस्तक पर वो आसमान का घोड़ा था। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उनरी लाज। तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का देना जवाब वासे शेरों की दाड़ का। गड़िया तूफान की है तेरे इम्तहान की है रखियो रे आज उनरी लाज। चेतक मान है तू बिजली की बाण है तू रखियो रे आज उनरी लाज। बोलिए महाराणा प्रताप की जय हो। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जय हिंद वंदे मातरम। नीले घोड़े रासवार महारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जो जी। ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। राणा थारी तकाल सुनने अकबर दुजियो जाए। राणा थारी तकाल सुनने अकबर दुजियो जाए। हल्दी खाटी रंगे खून सु नालो बे तो जाए। साली मेवाड़ी तलवार बे गया खूनारा खंगाल राणा सुनता ही जा जो जी। ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। चेतक चढ़ गयो हाथी पर मान सिंह घबराए। भालो फेंक्यो महाराणा ने हो तो टूटियो जाए। रण में घमासान मच जाए। रण में घमासान मच जाए। वेरी रण सो भाग्यो जाए राणा सुनता ही जा जो जी। ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। जालो गयो सुरकारे माई पातल लो लुआए। सेतक तन सो भय पनालो करतब वर्ण्यो न जाए। माने जीना सो नहीं प्यार माने मरनो है एक बार राणा सुनता ही जा जो जी। ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। शक्ति सिंगरी गर्दन झुक गई पड़ियो पगा में आए। गले लुम गयो प्यार जुम गयो वसन ना मोड़े आए। तोई आशुड़ा डलकाए वारी वहां कौन सुड़ाए राणा सुनता ही जा जो जी। ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी।